तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है और अब थोड़ी कमजोरी भी दिख रही है। एक बार मेहुल जी से रिलायंस के चार्ट पर राय लेते हैं। मेहुल जी, वैसे तो अच्छी मूव रही है, आज मुनाफा वसूली आ रही है वापस, एक तो बताएं डिप में अगर खरीदारी का मौका आपको दिखता है या नहीं, और दूसरा अगले लेवल्स क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट सर? दीपांशु, पिछले वीक ही हमने रिलायंस डिस्कस किया था, तकरीबन 2850 के आसपास। तभी भी हमारा यही व्यू था 2030 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से 3000 तक के अपसाइड लग रहे थे। अब इस जोन पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज 3000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी और पिछला टॉप भी है, तो यहाँ पर 3000 जब भी निकलेगा तब एक नई तेजी की शुरुआत करनी चाहिए, होनी चाहिए इस काउंटर में, और तभी ही फ्रेश बाइंग कीजिए। या तो फिर यहाँ पर अगर 2900 के आसपास अगर फिर से मिलता है तो 2830 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। फिलहाल वो नो ट्रेड जोन में है, सेल तो नहीं करना है, बट यस बाइंग करना है, या तो 3000 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तब, या